Guys, this is Arshad Jat with you. Welcome to my YouTube channel. आज मैं आपको घर का थर्मोस्टेट चेंज करने का तरीका और कौन सा थर्मोस्टेट अच्छा है वो बताता हूँ। मैं अपना थर्मोस्टेट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है ना बहुत पुराने ज़माने का लगा हुआ है, तो इस ये जो होता है ना थर्मोस्टेट कंट्रोल करता है आपके हीटर को, ठीक है। तो और ये अभी मैंने नया हीटर मंगवाया है अमेज़ॉन से, इसका नाम है THP 6000 सीरीज़ राउंड थर्मोस्टेट। वो अच्छा थर्मोस्टेट है, स्मार्ट थर्मोस्टेट है, मींस के ऑटो डिजिटल है और इसकी बकायदा एप्लीकेशन भी है। आप आईफोन पे और एंड्रॉयड इसकी एप्लीकेशन है। इसके ये फ़ायदा है कि आप ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, आप कर सकते हैं अपने घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट करें सेम नेटवर्क को, आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें सेम नेटवर्क को, घर वाला वाईफाई हो वही, और तो उससे आप अपने उधर बेड में बैठे अंदर दूसरे कमरे में बैठे हुए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर हाई लो कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं कि आप जब सुबह उठते हैं उससे 2 घंटे पहले ऑन हो जाए हीटर्स के, और रात को 12 बजे ऑन हो जाए, जब आप घर आते हैं शाम को काम से छुट्टी करके 6 बजे 8 बजे तब ऑन हो जाए ऑटोमेटिक पहले ऑन हो, तो डिफरेंट टाइमिंग आप प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। ये नहीं कि ऑन किया तो ये ऑन ही हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा बिल आता है आपको पता है, फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा हीटिंग भी होती है तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको ये आप जो आपको इसको इंस्टॉल करने का इसको लगाने का तरीका दिखाता हूँ। इसको चेंज करने के लिए ना थर्मोस्टेट को इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फेज़ ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन स्विच जो है ना वो ऑफ़ करना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये ऐसे ऑफ़ कर दिया मेन स्विच, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं सब इसकी अनप्लग कर दूंगा इसको केबल्स के साथ। 4 वायर्स होती हैं, एक फ्यूज़ ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है, ये जो 2 वायर हैं ये जो आपके पास जो कलदाइया लगा होता है ना उसकी वायर उधर से आ रही हैं, उसकी वायर होती हैं लोड आई है, ठीक है। तो जो नया आया ना थर्मोस्टेटर उसके अंदर भी 4 ऑप्शन है, तो अब देखते हैं क्या सब हाल है, ठीक है जी। ये उतर गया भैया, तो हम लगाएंगे अभी नया वाला। ये जो है नया थर्मोस्टेट है, पुराने वाला मैंने उतार दिया, अभी जो नया थर्मोस्टेट है इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वायरिंग लगानी है। इसकी बैक साइड पे जो है ना 4 टर्मिनल दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, 5-6 हैं टोटल, लेकिन ये जो 4 है ना हमने इनको यूज़ करना है, ठीक है। ये जो 4 नंबर है इस एल इसकी ये फेज़ है और एन न्यूट्रल है, हमने न्यूट्रल देना है, फेज़ इधर देना है, और जो 2 वायर्स कलदाइया से आ रही होंगे ना वो हमने दोनों इधर लगानी है, ठीक है, ओके। ये हम इसको थोड़ा लूज कर लेते हैं, साल लूज ही था। हाँ जी एल लिखा है फिर के ऊपर, ये जो ब्लू है ये न्यूट्रल है, ये साथ लग जाएगी उसके, ठीक है। अभी हम इसको कास्ट देंगे, सॉरी
सही मजबूती से लग गई है। ठीक है अभी जी हम ये एक और वायर है वो लगाते हैं। ठीक है ओके ये भी लग गई है और ये लास्ट है। अभी हम मेन स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। ओके गाइस बिस्मिल्लाह जी हो गया। अभी देखते हैं कि माशाल्लाह जी माशाल्लाह देखें अब डिवाइस ऑन हो गया, ऊपर टेम्परेचर आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है अभी हम इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और इसको मोबाइल के थ्रू भी करते हैं। ठीक है ओके इसको हम फिक्स करते हैं दीवार के साथ इसके अंदर। ठीक है तो पहले हम इसको ऐसे करेंगे और इसको राइट साइड पर घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे बाहर आ जाएगा और इसके अंदर सुराख बने हुए हैं। ठीक है तो अभी हम इसके अंदर जो है ना वो इसको गुजारेंगे स्क्रू को। ठीक है तो और फिर हम इसको कास देंगे। ठीक है प्यार से मैं बस ना हाँ जी बिस्मिल्लाह ये फिक्स हो गया ये नहीं हिलता इधर से। ठीक है ये फिक्स हो गया दीवार के साथ। अभी हम इसको दोबारा फिक्स कर देते हैं, दोबारा लेफ्ट साइड की तरफ घुमाएंगे। हाँ जी ये लो जी ठीक है और जी ऑन हो गया माशाल्लाह। मेरा थोड़ा सा घूमने रहा ठीक है फुल घुमा दिया। लो जी ये हमारा लग गया। अभी हम जो है ना इसको आपका ये प्रोग्राम है इसके अंदर अंदर का बाहर का सारा सिस्टम है। एप्लीकेशन स्मार्ट लाइफ ये आपने आपने इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। इसको हम ओपन करेंगे, इसके अंदर हम रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट। ठीक है मैंने कर लिया और भी हमें इसके अंदर ऐड डिवाइस करेंगे। ऐड डिवाइस करने के बाद हम जो है ना ये डिवाइस इसको ऑफ करेंगे। एरो डाउन को हम 8 सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड पर एक वाईफाई का लोगो ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है जब वो नज़र आ रहा हो ना सॉरी नहीं ठीक हुआ वन मिनट ओके तो ये अभी आ गया। मैंने ऐड डिवाइस की ठीक है ऐड डिवाइस करूँगा, ऐड डिवाइस पे जाऊँगा इधर स्मॉल होम ऐप पे लेफ्ट साइड लिखा हुआ है स्मॉल होम ऐप, इधर क्लिक करूँगा। नीचे मैं थर्मोस्टेट ढूंढूंगा क्योंकि ये थर्मोस्टेट है वाईफाई, थर्मोस्टेट वाईफाई है जो उसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है अभी मैंने इसके अंदर पासवर्ड दे दिया अपना ठीक है वाईफाई का। नेक्स्ट करूँगा ये कन्फर्म करूँगा कि ब्लिंकिंग हो रहा है। ठीक है नेक्स्ट करूँगा, अभी वो कह रहा है कि डिवाइस ऑन करें। ठीक है मैं यहाँ से डिवाइस अभी ऑन करने लगा हूँ तो ये सर्च करने लगेगा एडिंग डिवाइस। ओके तो ये डिवाइस एडिड सक्सेसफुली, मैं डन करता हूँ। ठीक है
ये अभी आ गया जी, इसका ऐड हो गया। ये देखिए अभी मैं इधर से इसको कंट्रोल कर सकता, इसका मैं टेम्परेचर 11 करूँगा उधर भी टेम्परेचर 11 हो जाएगा, इसका मैं टेम्परेचर 7 करूँगा तो उधर भी 7 हो जाएगा, अगर मैं इसका टेम्परेचर 27 करूँगा तो उधर भी 27 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो जो 18 जो शो कर रहा है ये इंटरनल हाउस का ये शो कर रहा है, लेकिन ये अगर मैं जितना भी इधर से कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, एंजॉय योर डिवाइस, ये अच्छी डिवाइस है, आप भी ऑर्डर करें, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका नाम और लिंक देता आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। Okay.